मुझे तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा, लगता है मुझसे शर्मा के चली गई। नहीं पता, लोग तो मुझे हत्यारा भी बुलाते हैं, पर मैं हूं थोड़ी ना। अब आप ही बताओ, अगर सिंह बुलाओ तो आप सिंह को नहीं जानते, उसके बारे में ना ही जानो तो ही अच्छा है। वैसे आपका नाम क्या है? पर एक बात लोग सही बोलते हैं मेरे बारे में, मैं कपड़े बहुत साफ धोता हूं, बोले तो एकदम चकाचक। पर हां, 2 रुपया लगेगा प्रति कपड़ा, नो बार्गेनिंग। आप बड़े जिद्दी हो यार, अब आप और मैं साथ ही रहेंगे, अपना तो घर परिवार का मामला है, आपको बस एक मिनट देना पड़ेगा। कुछ कहा आपने? तुम यहाँ जेल में क्या कर रहे हो? जाओ घर जाओ। मुझे सजा हुई है, मैं यहाँ अपनी सजा काटने आया हूँ। उम्र क्या है तुम्हारी? उम्र ही क्या है मेरी, अभी 10 दिन पहले 18 का हुआ हूँ। मैं अम्मी से पूछा करता था कि मैं बड़ा कब होऊंगा, वो कहती थी जब 18 साल का हो जाए तब। अब तो मैं बड़ा भी हो चुका हूं, शायद इसीलिए यहां बड़े लोगों वाली जेल में डाल दिया गया है मुझे। आप पेंटिंग बना रहे हो? सब कुछ इससे है और सब कुछ इसी के लिए। खा खा। खेले इसे वहां उस कोने में डाला, वहां चूहे का बेटा है। खुदा की जितनी जरूरत तुझे है उतनी उसको भी। आप यहां कितने सालों से हो? लेगा नहीं, मैं जात से कंजर हूं, घुमक पर बन जा रहा। जेल से अपना ताल्लुक भी जब पहली दफा जेल गया उसके बाद तो आना जाना लगा रहा। फिर तो आप यहाँ के जेलर को भी जानते होंगे। क्यों,
क्या चाहिए तुझे? मेरी गुल्लक उन लोगों ने जमा कर ली है, वो वापस चाहिए मुझे। जा पानी लेकर आ। आप कपड़े धुलवाएंगे? 5 रुपए जोड़ी। इधर क्या करेगा पैसों का? मुझे जरूरत है पैसों की। आप इनका नाम जानते हैं? इनका तो सिक्का चलता होगा यहाँ। आप कब से इनके साथ रह रहे हैं? नहीं, नहीं, नहीं जानता। अरे पर आप तो इन्हीं के साथ रहते हैं। मैं अकेला रहता हूँ। कितने सारे लोग हैं तो यहाँ? हाँ बच्चों वाली जेल में मेरे बहुत सारे दोस्त थे, मुझसे अकेला नहीं रहा जाता। जब मैं अकेला होता हूँ तो मुझे अम्मी की याद आती है, तब मुझे अकेलापन और खटता है। इससे अच्छा तो मैं आपके है तुम्हारी मम्मी। वो मर गई। मम्मी कहती थी कि मैं जेल में ही पैदा हुआ, वही पला बड़ा। मम्मी वहां एक किचन में काम किया करती थी, मैं भी उसके साथ जाता था। एक दिन किचन में किसी औरत के साथ झगड़े में अम्मी के सर पर चोट लगी और वो मर गई। अम्मी मुझे कभी मेरे बाप के बारे में नहीं बताती थी, वो बस ये कह देती थी कि एक रोज वो हमें लेने आएगा। मुझे लगा अम्मी के मरने के बाद मेरा बाप मुझे लेने आएगा। चला तो मेरा बाप तो पहले ही मर चुका था, मम्मी नहीं मारा था उसे। मेरा बाप मम्मी को मारा पीटा करता था, मम्मी ने उसे मार दिया। उस औरत ने मम्मी को चोट पहुंचाई थी, मैंने भी मारा उस औरत को जिससे मम्मी का झगड़ा हुआ था। उसी बेलन से रोशन दान से वो पेड़ दिखाई दे रहा था। उस पर ये गौरैया अपने 3 बच्चों के साथ रहती है, रोज सुबह वो अपने परिवार के लिए दाना चुनने जाती है। रोज की तरह परसों सुबह भी वो अपने बच्चों को गोश्त में छोड़ने गई थी। आज शाम होने को आई है, वो अभी तक नहीं लौटी। तब से बच्चे भूखे अकेले तड़प रहे हैं। यानी इनका भी कोई नहीं है? नहीं, इनके पास आस है माँ के लौट आने। इनकी माँ कहीं मर चुकी होगी, ये भी मर जाएंगे। नहीं ये मरेंगे नहीं,
वहां से लौट आने की आस खत्म होने के बाद भी नहीं मरेंगे। जब तक एक दूसरे के साथ है ये जिंदा रहेंगे। अकेली भूख नहीं मार सकती किसी को, वो जिएंगे। क्या किसी के साथ हमें घर से जीने की इच्छा जाग सकती है? और अगर कोई ना हो जिंदगी में तो क्या इंसान जी नहीं सकता? आपका भी तो कोई नहीं है, क्या आपको जीने की इच्छा होती है? सापार, चलो जल्दी जल्दी निकलो, जल्दी जल्दी, चलो निकलो निकलो। सापार, ए, बहुत बना क्यों खड़ा है? चल निकल बाहर, आता है या मैं हूं अंदर। चल निकल जल्दी। भी चांद ताकने की लकड़ आदमी पागल है? वो पागल नहीं है, उनको किस जुर्म में सजा हुई है? क्या करेगा इन पैसों का? मुझे जरूरत है इन पैसों की। काफी जरूरतमंद हो माना? क्यों रे, अकेले बैठकर क्या चिल्ला करता रहता है? अगर जेलर को पता लग गया होता ही कैदी किसकी से गायब था तो पिछवाड़े पे इतने पट्टे पड़ते ही सब पागल पर निकल जाता। चल जा अंदर। भले आदमी हो आप साहब, जो कैदी से प्यार से बात कर लेते हो। अरे मैंने कहा भले आदमी हो आप साहब। वर्दी शरीर के साथ साथ मुंह को भी जकड़ लेती है। जेल में रहकर अम्मी को सांस की बीमारी हो गई थी। सरकारी अस्पताल की दवाइयों से फायदा नहीं हुआ। तब मैंने इलाज के लिए पैसे जमा करना शुरू किया। अम्मी के जाने के बाद पुलिस वाले अम्मी के सामान के साथ साथ मेरी गुल्लक भी ले गए। सब कुछ खत्म हो चुका। जिंदगी नए सिरे से शुरू हुई, पर मैं पैसे फिर भी जोड़ता रहा। मुझे नहीं पता क्यों और किसके लिए मैं ये पैसा जमा कर रहा हूं। मैं अकेला हूं, अनाथ हूं, मेरा भी कोई। मुझे नहीं पता क्यों, पर मुझे जीने की इच्छा होती है। मैं नहीं जानता कि मेरे जीने के मायने क्या है, पर मैं मरना नहीं चाहता। मैं मरना नहीं चाहता।
क्या है जो मुझे मरने नहीं दे रहा? जीवन के मायने दिखने लगते हैं तो फिर से बेमानी होने का डर भी सामने कौन देता है? मेरा अतीत मुझे जकड़ रहा है, मैं एक मौत पहले ही जी चुका हूं। मेरी पेंटिंग बना रहा है, एक मिनट रुकेगा, जरा मैं अपने बाल संभाल लूं। सारे बाल बिल्कुल मेरे जैसे हैं। अच्छा, मेरी माँ कहा करती थी कि मेरे बाल मेरे पापा जैसे हैं। आप पेंटिंग में मेरे पीछे समंदर बना देना, वो मुझे समंदर किनारे जाने का बहुत मन है। अच्छा ठीक है, कब लेट जा? अक्सर मेरे सपने में समंदर आता है, लहरें मेरे पैर को छूती है, मुझे गुदगुली होती है, फिर वो लौट जाती है और मैं इंतजार करने लगता हूँ उनके वापस आने का। अगली बार जब लहर आए ना, हाथों में उसका पानी भर लेना, इंतजार करने में आसानी होगी। मैंने भी सोचा था कि अगली बार जब लहर मेरे पास आएगी मैं तुरंत अपनी आंखें बंद कर लूंगा और कुछ नहीं देखूंगा, बस फिर उसे ही सोचता रहूंगा लहर के वापस आने तक। लहरें तो कभी रुक नहीं पाई मन में, पर एक बार आंखें बंद करते ही माँ का चेहरा आ गया था सामने। जब पहली बार लहर वापस आई और मेरे पैर को छू कर गई, बन गई पेंटिंग, दिखाओ ना कैसी है। बस दो मिनट, समंदर का पानी उस तरफ क्यों बह रहा है? मेरे पैर तो इधर है। लगता है आपने गलती से समंदर की जगह नदी बना दी। अरे अच्छी बनी है, बहुत अच्छी बनी है। क्या देख रहे हो आप दोनों, मुझे बहुत अच्छी बनी है। क्या वाला बेचार खाए आप? ए लड़के, चुपचाप जाकर सो जा। अब तेरे मुंह से जो भी निकली तो अलग से जुबान मार खींच लूंगा। भगत को इस
शरद डांटने का कोई हक नहीं। क्यों, सारा हक तूने ले रखा है क्या? ज्यादा मोह मत पाल इस लड़के से, आजाद मन का लड़का है, अपने स्वार्थ के लिए इसको कैद मत कर। तेरह बरस पहले इसी तरह सरदार चली तब राजधानी में एक बड़ा पेड़ गिरा था। आज मैं जाने कितनी जाने जाने यहाँ खुदा रहम कर। व्यवस्था इंसान के सीने पर चढ़कर ऊपर उठने की आदि हो चुकी है। इस खाकी वर्दी को इंसानी लहू पीकर पेट भरने की लत लगी हुई है। साहब ने बोला देरी नहीं होनी चाहिए, वक्त पे तैयार रहना। मैं किसी और दिन का इंतजाम के लेता हूँ, इस लड़के को छोड़ दीजिए। अब कुछ नहीं हो सकता, केस बन चुका है, लड़का आखिरी कड़ी है। ऊपर से ऑर्डर है, मैं कुछ नहीं कर सकता। कोई तो रास्ता होगा इसको बचाने का। एक अनाथ लड़के से आसान बकरा कहाँ मिलेगा? इसकी मौत लिखी जा चुकी है, तू बेवजह ही वक्त बर्बाद कर रहा है। जा भी जाकर सो जा, काफी रात हो चुकी है। इसको वक्त दीजिए, इस लड़के की आंखों में मैंने आजाद सपने देखे हैं, उनको मरने से बचा लीजिए। मैं सुबह 4 बजे इसको लेने आऊंगा, तू भी तैयार रहना। इस दफा मैं नहीं आ पाऊंगा। ठीक है, जेल में भाड़े के टैटूओं की कमी नहीं है। आपको याद है साहब, मैं 84 वो सिखों का लड़का, उसको तो जेल के भीतर ही मार दिया गया था ना। कहना क्या चाहता है? बात आपकी देखने को मैंने आपकी आंखों में। क्या क्या बकवास कर रहा है साहब? वर्दी के भीतर का इंसान शायद रोया होगा। मैं हवलदार जयदेव कुमार शुक्ल अभी ड्यूटी पर हूँ। हवलदार जयदेव कुमार शुक्ल रात के 12 बजे मेरा जमीन सबका हार चुका है। मैं 22 साल का, मेरे
सामने मेरी उम्र का वो निहत्ता लगता। उससे कहो जा ऊपर से ऑर्डर है जान से मार दो। वो पहला वार था मेरे फर्ज का मेरे जमीन पर। उसके बाद कई मौके आए जब मेरा जमीन वर्दी की जेब से छापता रहा और मैं व्यवस्था के फेस में लगता गया। वो लड़का मेरे साथ मेरे ही है। अपने दिली हाथों से मेरे एक गुलाब को जीता। दोनों मैच से आ गए। इसके बाद कोई विकल्प नहीं होता। मेरे पास मौका आपके पास भी था अपने फर्ज और अपने जमीन में भी चुनने का। आज आप उसकी लड़ाई करते हुए आज भी आपके पास इतना ही मौका है जितना हो सका था। आप उलझा हुआ तो वो लड़का था। आपकी ऐसी लड़कियों से जो कि नुकसान का ही नहीं कारियत का भी गड़ा हो सकती है। आज आज लड़का की दूसरी जगह पर आया था। आज तुमको दौड़ा रहेगा। आज आप और मैं फिर उसी दौरा पर खड़े हैं। इस दफा मैंने अपना चुनाव कर लिया। अब आप जब मिल गए हो इस लड़के को एक और मौका मिलेगा या नहीं? अरे भगत आजा बेटा आजा। ईद मुबारक हो बेटा आजा। ईद मिलने मुझसे ya
यहाँ क्यों आ रही है? कुछ हुआ है क्या? भगत, भगत को कहाँ लेके जा रहे हो तुम लोग? भगत, भगत, ये तो वही लाल नदी है। भगत, 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 पकड़ो इसे। तुम इसे नहीं ले जा सकते, कोई इसे नहीं ले जा सकता। भगत, 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 भगत कहाँ चला गया? सुबह सुबह क्यों अलग पड़ रहा है? तुमने भगत को देखा है क्या? भगत कहाँ चला गया? भगत, वो आजाद हो चुका है। क्या किया तुमने होगी उसके साथ? भगत को तुमने ही मारा है ना? बोल, तूने ही मारा ना उसे? भगत जिंदा है और वो निकल चुका है तेरे खोखले अपने पन और इस कुकार व्यवस्था के जाल से। अगर वो यहाँ रहता ना तो मर जाता तेरे प्यार से। ऐसा प्यार जो किसी को तब तक सीने से लगाए रखता है जब तक कि उसका दम ना घुट जाए, या फिर मार दिया जाता इन अमनो चैन के ठेकेदारों के हाथों। हाँ, मैंने निकाला उसे यहां से। हुआ क्या है? आपने भगत को जिंदा बचा लिया है ना? Thank you.
लौटता है, वो लौटा है मेरे जीवन से। भगत मर चुका है, कमजोर जब अपनी सांसों का बोझ भी नहीं झेल पाऊंगा। अगर मौत मेरे वश में होती तो ये मेरे जीवन का आखिरी क्षण होता। पर अफसोस, मैं अब भी जीऊंगा और बचूंगा।